पहले से आप में अंतर आया कि नहीं? अब तो आ रहा है। आ रहा है समझ में ना? एक महीने में सीख जाओगे? सीख जाएंगे। हाँ सही है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेसीबी बाइकों में। तो दोस्तों, हमारा हेल्पर आज की मशीन चला रहा है और पिछले वीडियो में दिखाया था किस तरह से चला रहा है, आज कितना बदला हुआ है उसके में, तो आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो देखिए और कमेंट करके बताइएगा कि दोस्तों कि कैसे चला रहा है, पहले कैसे चला रहा था, अब कैसे चला रहा है। और वीडियो भाई अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देख सकते हो कैसे चला रहा है, अब ये चला रहा है और पहले से ज़्यादा नॉलेज हो गया है। इसको भाई मशीन मैं दे देता हूँ और छोड़ देता हूँ कि ले भाई अपना तू मर्जी से, जैसे मर्जी वैसा हिला डुला। तो चलिए हम अंदर से उसको दिखाते हैं और बताते हैं उसको थोड़ा बहुत आज भी, और आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे चला रहा है, पहले कैसे चला रहा था। सीधा सीधा रखो इधर बीच में, बीच में बाय बाय। और थोड़ा आप अपने पास इसको इसमें खोल के रखो, थोड़ा आप उसको दबाओ आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे की तरफ। हाँ बाय। और उठाओ थोड़ा, और उठाओ, बस रख दो, रख दो। दोनों लीवरों को थोड़ा थोड़ा मिला के चलाओ ना, सिंगल सिंगल से काम करवाओगे तो वैसे टाइम लगेगा और फिर मजा भी नहीं आएगा। ठीक है, कब कहाँ किसको काम करवाना है, थोड़ा थोड़ा सा करवाओ बराबर सा, दोनों दोनों को खोल दो एकदम बूम को खड़ा करके, बकेट को नहीं खोलना है। जब देखो कब माल को गिरना है तो पहले से थोड़ा पहले से ही खोलने लग जाओ। दोनों लीवरों को थोड़ा थोड़ा बराबर से मिला के चलाना है, एक एक काम नहीं करवाना है, समझ गए? हाँ सही है, खोल दो, बस खोल दो, जैसे ही जहाँ खोलना है वहाँ थोड़ा पहले से ही खोलने लग जाओ। रखो नीचे, हाँ थोड़ा थोड़ा, दोनों हाथ बराबर नहीं चलते हैं भाई, जब नए पे तो बराबर हाथ दोनों नहीं चल पाते हैं, पर कोई नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। लेकिन जब भी तुम दिमाग में रखो कि नहीं जब भी हाथ चलाना है तो दोनों हाथ को हिलाना है बराबर थोड़ा थोड़ा, बस रखो वहीं, रख वहीं भर लो, चाहे मतलब जहाँ दिखे आम को यहाँ थोड़ा आसान लग रहा वहीं रख दो, बस सही है। आप घुमाओ और जल्दी जल्दी से काम करवाओ। हाँ सही है, सही है, सही है, ठीक है, रखो वही रखो, सीधा सीधा रखो तो, हाँ रखो, क्या बात है, सही है, बिल्कुल बढ़िया चला रहे हो, रखो वही। जब पहले से दोनों को देख, जब कहाँ क्या काम करवाना है लीवरों को पहले से ही सेट कर लो, हाँ बस यहाँ रखना है तो हमारा हाथ कहाँ जाना चाहिए, खोल दो, सही है। खोल दो, कैसे चला रहा है कमेंट करके बताना भाई लोग, अभी जितना चाहिए जितना अच्छा से चाहिए, उतना अच्छा तो नहीं चला पाता है लेकिन अब पहले से बहुत ज्यादा ये समझ गया है। देखो अभी झटका बटका तो वैसे ही मारेगा, बस खाली पहले लीवर चलाना सीख जाए तो। पहले कैसे चला रहा था भाई, अब कैसे चला रहा है देख सकते हो। मैं बोला था भाई एक महीने में सिखा दूंगा इसको मशीन चलाना बिल्कुल, देख रहे हो कैसे बकेट पूरा भर के ला रहा है। पहले से और अब में अंतर आ रहा है कि नहीं तुमको? ओए भाई, पहले से आप में अंतर आया कि नहीं? अब तो आ रहा है। आ रहा है समझ में ना? हाँ। एक महीने में सीख जाओगे? सीख जाएंगे। हाँ सही है।
अभी देख सकते हो कितना फास्ट काम कर रहा है, कैसे कर रहा है कमेंट में करके बताना, सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये देख सकते हो अभी ये कितना आरपीएम पे चला रहा है, 13-12 पे चला रहा है, 12 पे ही है, फिर भी घूम कितना फास्ट चला रहा है। और सीखना होगा तो भाई अपना नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और जगह खाली रहेगी तो मैं आपसे कांटेक्ट जरूर कर लूंगा और दूसरी जगह कहीं भी लगा दूंगा। अब ये भाई इसको बताना नहीं पड़ रहा है कि इससे इधर होगा, इससे इधर होगा, ये सब कुछ नहीं बताना पड़ता है। अब अपने हिसाब से बढ़िया चला रहा है और बकेट पूरा भर के उठा रहा है, ये देख सकते हो। तो जब भी हेल्पर मशीन चलाए तो मशीन से नीचे भी रहना चाहिए, ये नहीं कि हर टाइम उसके पास में ही बैठोगे, एक तो 5 मिनट मशीन दोगे उसके साथ में बराबर बैठे रहते हो तो सही ऑपरेटर भाई लोग तो वो थोड़ा नर्वस रहता है, डरता है, तो थोड़ा मशीन देके नीचे भी उतर जाना चाहिए, साथ में हर टाइम नहीं बैठना चाहिए, तो उसके मन में जो डर रहता है तो वो डर खत्म हो जाता है और अच्छे से वो काम करता है, अपने मन का काम करता है। और हर टाइम बताते रहोगे कि ऐसे करना वैसे करना ऐसे करना तो वो कंफ्यूज रहेगा भाई, तो वो जल्दी उसके दिमाग में माइंड में नहीं आता है, तो मशीन दे के उतर जाना चाहिए, उसके साथ थोड़ा छोड़ना चाहिए, उसके साथ से हट जाना चाहिए, थोड़ा दूर से देखो कि कैसे कर रहा है नहीं कर रहा है, सब मिस्टेक कर रहा है कोई, फिर उसको बताओ और समझाओ अच्छे से,